नमस्कार, मैं हूं ऋतु मिश्रा और आप देख रहे हैं सेहत समाचार, एक ऐसा शो जिसमें उन मुद्दों पर बात होगी जिन पर लोग बोलने से कतराते हैं। बात जब औरतों की बीमारियों की आती है तो हम अपने आप उस आवाज को धीमी कर लेते हैं, उसके बारे में बात ही नहीं करते, छुपाते हैं। कई बार तो शर्म के मारे डॉक्टर को पास भी नहीं जाते। ये वो बीमारियां हैं जो जुड़ी हैं औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, यानी कि शरीर के वो अंग जो बच्चा पैदा करने में मदद करते हैं। बच्चे प्यारे होते हैं ना, इसलिए बच्चे का लोग कहना भी कितना प्यारा लगता है। लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए कुदरत ने हम औरतों के शरीर में जो नॉर्मल सी साइकिल बनाई है उसका नाम लेते हुए ऐसी शर्म आती है कि पूछिए ही नहीं। लेकिन हम तो बात करेंगे, तो चलिए आज बात करते हैं सेक्स और पीरियड्स की। जो चीज़ हर महीने होती है उसके बारे में हम बात करने में इतना शर्माते क्यों हैं, इतनी झिझक कि हम ये शब्द भी साफ साफ नहीं बोल पाते। पीरियड्स का समय महिलाओं के लिए रोलर कोस्टर से कम नहीं होता। इस दौरान होने वाले दर्द से महिलाएं डिप्रेशन और मूड स्विंग्स की समस्या से जूझती हैं। हालांकि पीरियड्स को लेकर आज भी पूरी तरह से महिलाएं जागरूक नहीं हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये पीरियड्स होते क्या हैं। पीरियड्स, मासिक धर्म या फिर मेंस्ट्रुएशन, किसी भी लड़की के लिए जवानी वो समय होता है जब उसका शरीर ओवरी द्वारा पैदा हुए हार्मोन की वजह से बदल रहा होता है। आमतौर पर 8 और 13 वर्ष की उम्र के बीच की उम्र में आपके शरीर में कोई गंध है और हार्मोन के असर से आपके वजाइना क्षेत्र से कुछ बहाव शुरू हो जाता है। वो किसी महिला के शरीर में मौजूद अंडा है। वक्त के साथ ये मैच्योर होता है, दोनों में से किसी एक ओवरी के अंदर, फिर ये यूटरस ट्यूब के रास्ते नीचे आने लगता है। यूटरस या गर्भाशय में यहाँ अगर इसे स्पर्म मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज करता है। इसी दौरान यूटरस प्रेगनेंसी की तैयारी में जुट जाती है। फर्टिलाइज हो गए अंडे का स्वागत करने के लिए ये मुलायम कोशिकाएं बनाने लगती ताकि प्रेगनेंसी के दौरान सब कुछ ठीक रहे। लेकिन जब इनको स्पर्म मिलता है तो इन कोशिकाओं की कोई जरूरत नहीं रह जाती, इसीलिए इन्हें और जो अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ उसे शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। यही है हर महीने होने वाली ब्लीडिंग, और ये जितना हमें लगता है दरअसल उससे काफी कम होता है। ये सिर्फ 50 से 65 मिलीलीटर होता है। पीरियड्स होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इस समय हमारी बॉडी में कई तरह के चेंजेस आते हैं जिसमें उस समय हम सुस्त और चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता और नींद भी हमको बहुत आने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो परेशान मत होइए, ये बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन कई बार हमें इस दौरान इतना दर्द होता है कि वो बर्दाश्त ही नहीं होता। तो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं वो भी जानते हैं। पीरियड्स में दर्द होने का कारण शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है। इसके साथ साथ खान पान का सही ना होना इसका कारण हो सकता है, इसीलिए अपने खाने में विटामिन युक्त खाने का ज्यादा इस्तेमाल करें। कई लोग इससे छुटकारा पाने के लिए दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपाय भी हैं जिनसे ये ठीक हो सकता है। अगर आप पीरियड्स में कम पानी पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आपको पीरियड्स में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। हाँ, चाय और कॉफी अगर आपको बहुत पसंद है तो इन दिनों में आप इसका कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है और पेट की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। या फिर जब चाय पिए तो उसमें तुलसी जरूर डालें, क्योंकि तुलसी एंटीसेप्टिक होती है और दर्द में भी आराम देती है। जिन लेडीज में कैल्शियम की कमी होती है उनमें पेट के दर्द की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा दूध और दही का सेवन करें। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिन्हें अपने शरीर के बारे में सही जानकारी नहीं है। ऐसे में जब वो किसी दिक्कत का सामना करती हैं तो इसके बारे में खुलकर बात ही नहीं कर पाती। अब जब हम पीरियड्स पर खुलकर बात नहीं करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन हमको इधर उधर से मिलेगी हम उस पर यकीन करने लगेंगे। अक्सर हमने लोगों को ये कहते सुना है कि ये शरीर की गंदगी है जो बाहर निकलती है, यहीं से हमारी गलत शुरुआत होती है। दरअसल ये कोई शरीर की गंदगी नहीं है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है। बहुत लोगों का मानना है कि पीरियड्स के दौरान अगर पुरुष महिला से संबंध बनाता है तो वो नपुंसक हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है,
हाँ, पीरियड्स में सेक्स करना थोड़ा मेसी जरूर हो सकता है। इस पर डॉक्टर का क्या कहना है, पहले वो सुन लेते हैं। पीरियड के दौरान सेक्स करना सेफ नहीं है, क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, और पीरियड के टाइम सेक्स करने पे इंडोमेट्रोसिस नाम की डिजीज होती है, उसकी भी चांसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्लड फ्लो ट्यूब के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी में होने का चांसेस रहते हैं। सो बेटर है इट इज अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग पीरियड। तो अगर आप पीरियड्स में सेक्स के दौरान प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि हम सैनिटरी को काली पन्नी में छिपा कर आते हैं? पेट में पैरों में इतना दर्द होता है लेकिन घर वालों से इसे छिपाते फिरते हैं। आपको जरा भी अंदाजा है कि पीरियड्स के दौरान हमारे शरीर में क्या सब चल रहा होता है? पीरियड्स के दौरान शरीर में कई तरह के हार्मोन ऊपर नीचे होते रहते हैं। यूं समझ लीजिए कि ये आपस में एक तरह का खेल खेल रहे होते हैं। इनमें चार सबसे अहम हैं: एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH और FSH। अंडा जब ओवरी को छोड़कर यूटरस में जाता है, उससे ठीक पहले शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन के ही चलते गर्भाशय में नई कोशिकाएं बनती हैं। इस हार्मोन के बढ़ने से हम अचानक ही एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अंडे के ओवरी से निकलने के बाद प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ती है। प्रोजेस्टेरॉन ये सुनिश्चित करता है कि यूट्रस में जो टिश्यू बने हैं वो सुरक्षित रहे। इस दौरान वो एस्ट्रोजन से लड़ भी रहा होता है कि अब और टिश्यू बनना बंद करो, नहीं तो वो कैंसर में तब्दील हो जाएंगे। एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती देख LH भी सक्रिय हो जाता है। एक तरह से LH ही अंडे को धक्का देता है कि ओवरी से निकलकर यूटरस में पहुंच सके। फिर आती है FSH की बारी। तो ये जैसे ही दिखता है कि ओवरी से अंडा निकल गया है, तब ये नया अंडा बनाना शुरू कर देता है, यानी कि नई साइकिल की शुरुआत। ऐसे में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा फिर से बढ़ने लगती है और गर्भाशय में कोशिकाएं भी। सोचिए, जब शरीर के अंदर इतना सब चल रहा होगा तो दिमाग क्या कहेगा और दिमाग का क्या होगा? हॉर्मोन्स के इसी कॉकटेल के कारण कई महिलाओं को PMS का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में ब्रेस्ट में दर्द महसूस होता है, चेहरे पर मुहासे आने लगते हैं, थकान महसूस होती है, कुछ लड़कियों का रोने का मन करता है तो किसी को चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो अगली बार जब पीरियड्स हो तब अपने शरीर को शुक्रिया करिए, खुद को बताइए ऑल इज वेल। वैसे पीरियड्स के दौरान पेट का फूलना और गैस होना बहुत ही आम बात है। इसके बावजूद भी महिलाएं घर का सारा काम करती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, वहां का काम संभालती हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर महिलाओं की जगह पीरियड्स आदमियों को होते तब कैसा होता? तब इस मुद्दे पर खुलकर बात होती, ऑफिस में छुट्टी मिला करती। उन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि औरतें किस सब से गुजर रही हैं, और उन्हें एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि औरतें इन पर खुलकर बात ही नहीं करती। इंडोनेशिया और ताइवान मिसाल हैं। इंडोनेशिया में औरतों को हर महीने 2 और ताइवान में 3 छुट्टियाँ मिलती हैं, और बाकी सब जगह महिलाएँ इसे छिपाती फिरती हैं। तो छिपाइए मत। अगर आप पुरुष हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद समझ गए होंगे कि आपकी पार्टनर कितनी बहादुरी का काम कर रही है। इसलिए महीने में 4 दिन उनका थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रख लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमें लाइक शेयर करना मत भूलिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुद्दे पर जिन पर कोई बात नहीं करता। नमस्कार।